कि मारे की फर्क नहीं पड़े, सांप रे आगे और फुक करियो डस, सांप को सब एक बार और डस कियो, सांप लो के मर जाए वो कि मारे फर्क नहीं पड़े, वो के क्यों तेजा तेजा जी कोई तांती बजा रही है, कोई नगद बना रहा है भोपो कहीं है, वो के की कोनी ऑपरेशन प्लास्टिक रो फुक लगाए हो, सांप दांत सांप रे मारे हावड़ा को मारे की फर्क नहीं पड़े। जिन्हें भी मोबाइल मिल जाए तो भाई कई फर्क पड़े ना, जिनो भी है पुगा दीजो। आएगा ये रचना तेजा जी महाराज के चरणों में रख रहा हूँ, और तेजा जी के सच्चे भक्त बड़े प्रेम और भाव से, क्योंकि भाई साहब आप सबको पता है सत्संग का आनंद एक बजे के फिल्म देखने जाओ इंटरवल में बाद में कीन की वैट नहीं वैट सब वैनी क्या बात ओपन किसी के भी हाथ नीचे नहीं दे, बोलो वीर भोगिया तेजा धनी की, क्या बात है। और मित्रों भोमिया वही है जो गाया रिबार में खेड़ी माँ तू नीचे पड़े इनके मारे तो भोमिया हो गया, ए बेटा बाप खेड़ी माँ पढ़ दो भी भोमिया में घर घर में भोमिया होगा, चले के दादू दुनिया बावड़ी पागल हो गई है दुनिया, दादू दुनिया बावड़ी पूजे भोमिया भूत, बेटो मरिया मौत से बठे मांगे भूत, उठ जान के ओ बाप जी बेटो दीजो अरे वे तो खुद कांगड़ में तीरा मरता मरिया उठ के बेटा मरिया। भोमिया वही है जो गाया री बार में काम और जीनारा मस्तक कटिया रे बाद में धड़ लड़िया, वे हुआ है जुंजार धड़ी। एक बार जेका लगाए बोले जुंजार जी महाराज की जय हो। संकल्प गायन सब सुनो बेफिकता गाजो गाजो ये तेजा जी की माँ तेजा जी ने कह रहे बेटा तेजा सावन रो उतर लो पो खेती रो टेम और जाट रो बेटो घरे उतर घरे होता होता बेटा पार नहीं जाट ना में तेजा जी हुआ दूजा धन जी जाट तीजी कर्मा जाटरी जारे सब अन्न धन रा है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए साहब, कोई तो कहे भगवान आवे नहीं, अरे भगवान आवे कई धन्ना जाट रे घरे भगवान को चौकीदारी, कौन जाने माया सावरिया रिया जब निराली और तिल्लो की रो नाथ जाट घरे पे बन गयो, सो बिगारो खेत जाट रे राम भरोसे खेती, आधा में बोवे गऊ चिना और आधा में धाना मेथी, बिना बाड़रो खेत जाट करे राम रुखाड़ी और तिरलो की रो नाथ जाट करे रह गयो, बाजरारी रोटी पोवे ऊपर गिरो घटको हमें क्या मारना पड़ता पैदा नहीं वे वे कटू खाओ तो इडली डोसा हो ए जगिया पीती है पैदा वे ए छोड़ दियो अपनो बाहर देसी चीज छोड़ दी जन हमें मारना पड़ता कटू पैदा होई भाई होई, बाजरारी रोटी पोवे ऊपर गिरो घटको और पालक री तरकारी सागे भरे मुड़ी रे बटको छाछ राबड़ी रो करे कले वो भरभर थाली, अरे तिरलो की रो नाथ जाट घरे ले दियो। आइएगा अरे गाजो गाजो दे तालियों के साथ में होना चाहिए आपके दोनों हंसी हंसी उठा ले बार साज तो बजते जाओ लग तो ही गाजो सावन तो बाजू रे सावन बाजू
ऊंची शैल के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्या बात है।
आज नहीं बढ़िया आदमी, ये जितने दिखते हैं इतने सुंदर दिखते हैं, अंदर से भी इतने सुंदर, बिल्कुल ऐसा। एक बार आप लोग आओगे, तेजा जी ने कितने भक्त बैठा है, एक बार दोनों हाथ खड़ा करो जो तेजा जी के वास्तव में सच्चे भक्त है। भैया थोड़ा सा तड़की उठियो हो पूरे राजस्थान को संगीत दिया है। राजस्थान के जितने भी संगीत से जुड़े हैं वो सब बीकानेर का एहसान मानते हैं कि बीकानेर ने ही संपूर्ण राजस्थान को संगीत सिखाया है। एक बार जितने भी हमारे बीकानेर के पुराने पुराने जितने भी भजन गायक हुए हैं, एक बार उन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। अगर अपन अमूड यार अगर फिल्मी गीत गान जावता तो आज अपन लोग कई गावता सर, अगर मूडिया फिल्मी गावता तो आज भी जनरेशन कई गावती। मामलो अपन मूडिया अपने एड़ी एड़ी चीजा बेन गया है कि जिन्हें खर्चियों ना फूटे और चोर नहीं दिन दिन बड़े सवायो अरे पायो मैंने राम रतन धन। ये उन भजनों की महानता है प्रकाश भाई, उन भजनों की महानता है कि जोधपुर में कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं है, सब पूरा हाईवे 10 किलोमीटर हाईवे का नाम स्वर सम्राट रामनिवास राव मार्ग हुआ है। ये उन भजनों की महानता है कि आपको रोज अखबार पढ़ते हो, जोधपुर में बहुत जल्दी एक सर्कल पे पिताजी की मूर्ति भी लगने वाली है एक बार उसके लिए, और जो हम लोगों का 6-7 सालों से सपना था, मेरी इच्छा थी कि मेरे पिताजी का एक बहुत भव्य मंदिर बनाऊं मैं जोधपुर में, परिक्रम किया था, वो मंदिर का भी काम चालू है, लगभग 1 करोड़ रुपया लग चुका है और वो मंदिर भी भव्यतम बनने जा रहा है और साल भर तक आपके सामने खड़ी ले जाएगा वो मंदिर। ये पुराने भजनों की महानता थी साहब कि उन्होंने हमारे लिए ऐसी ऐसी चीजें छोड़ी कि आज हम लोग कहाँ से कहाँ तक, हमारा कुछ भी नहीं है साहब, जो दिया है वो उन्होंने ही। एक बार गएगा अरे काजो काजो शंकर भगवान की जटाओं से जट और उस मेरा भोला भी भंडारी हर भी नंदी की सवारी भोले नाथ बोलो आओ गाना सुनो ओ मेरा भोला के पाले मेरा भोला के भंडारी हर भी नंदी की सवारी मेरा भोला भी भंडारी हर भी नंदी की ओ शंभू नाथ रे बड़ा भानगढ़
जितने भी चेतन अवस्था में भक्त विराजमान है